वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है फनीएस्ट सिंगर ऑन इंडियन सोशल मीडिया, ट्राई नॉट टू लाफ। मतलब आज हम देखेंगे इंडिया के फनीएस्ट सिंगर जो मतलब सिंगर बनने की तो ट्राई कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, ये पहले वीडियो देखेंगे और देखते हैं फिर किस तरह के फनी सिंगर्स होने लगे हैं। तो काफी ज्यादा इस वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही थी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। हमारी कंट्री की सबसे बड़ी ट्रेजेडी पता क्या है? इतना टैलेंट होने के बाद भी किसी को मौका नहीं मिलता। ढिंचक पूजा और ओम प्रकाश मिश्रा जैसे लोग मिलियंस में व्यूज और सब्सक्राइबर्स लेकर बैठे हैं, लेकिन असली टैलेंट की कोई कदर ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये भाई साहब, इनकी आवाज अगर आपने एक बार सुन ली आप इनके दीवाने हो जाएंगे। अरिजीत आतिफ भूल जाएंगे आप। अच्छा, आज अपनी फेस नहीं निकाला क्यों आ रहा है एकदम कमाल का? भूल गए ना आतिफ और अरिजीत? ये क्या था भे? ये क्या था यार? I'm joking. ये गा रहा है, रो रहा है। बड़ा ही कोई गंदा गा आवाज थी भाई, सीरियस यार। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे बेहतरीन सिंगर्स जिनको सुनने के बाद कुछ कुछ होता है। अंजलि वाकई तुम नहीं समझो। इसको करंट लगाया क्या? मुझे लगता है किसने बुलाया शादी में? मुझे मैं कोई कमर लचका गई तो कहाँ इलाज कराते फिरोगे? थोड़ा सा दादा, मुझे लगता है इसके नीचे सुइयां पड़ी है जो उछल रहा है बार बार। अरे दादाजी कंट्रोल, ढूंढ के कहाँ से लाए और पैसे फेंक के जा रहे। ज़ॉम्बी किसकी खोल आई है? I'm stunned. यार मैं क्या भूलूं इसके ऊपर? ये क्या है? ये कौन से प्रकार की सिंगिंग का नजारा देखने को मिल रहा है? रेजिडेंट ईविल है ये तो, उसका बंदा। ऐसे अंकल बच्चों को डराने के काम आते हैं। लगा के सुपर सैयन बनने चले बच्चे को डराना तो ही दिखा दे। गोकू सही बात है, सही बैठ रहा है। ओहो कुछ कुछ घीच में कुत्ते जैसी आवाज आ रही है। कल क्या गायकी है, मजा आ गया। मेरे पूरे जीवन में मैंने ऐसा बेहतरीन गायकी का नजारा देखा ही नहीं। इतना बड़ा मुंह खोल खोल के अंकल ने ये जो गाया है ना, और ये जो लोग पीछे एंजॉय कर रहे हैं, कौन है ये लोग? पर क्यों बुलाते हैं इनको? कब तक की अच्छी बहू यारो, जब से दुआ करूं कि मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं। इतना दर्द मेरे हिम्मत रख, तू उस लड़की को जरूर भुला देगा, लेकिन वो लड़की जिसने तुझे धोखा दिया है, ये श्राप है मेरा, वो जरूर पछताएगी। तुझे कोई कैसे धोखा दे सकता है? एक बार इसकी शक्ल देखो, ये कोलगेट की बत्ती सी, ओए ओए ये प्यारा। दिल न लगाना मेरे जैसा, इसकी तुम्हें कर देगा दीवाना। लोग भी आशिक होते हैं भगवान, क्यों इतना नाइंसाफी? बेचारे के साथ शक्ल देखो इसकी, इतना मासूम, इतना भोला बच्चा ये, इसने क्या बिगाड़ा था? चेहरा देखो कितना मासूम सा है। Even situation in heaven, yeah. Pakistani paisa. Take a minute slowly. गाने की माँ फैन है जो एंकर, मतलब जो सुन रही थी ना, तो वो भी बार बार पीछे पड़ रही है। मैंने किससे पूछ लिया? इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कोई भी चीज करो तो समझ के करो। अब मुझे इस गाने का मतलब नहीं पता, तो कोई नहीं, मैं यू डिक्शनरी ऐप यूज करके स्पैनिश टू इंग्लिश कन्वर्ट करके यहाँ पे उसका मतलब देख लेता हूँ। तो टी एम ओ डिस्पेसिटो का मीनिंग है, मुझे दिखा रहा है आई लव यू स्लोली, यानी कि मैं तुम्हें आराम से प्यार करूंगा। वाह क्या मतलब है, डीप। और बाय चांस अगर तुम मेरी तरह इस नल्ले पाव के दीवाने हो, गुड बाय टू द पीपल हू हेटेड ऑन मी, गुड बाय टू द पीपल हू
इसको तो पोलियो हुआ है। वाह क्या सिंगर है, वाह क्या गाना गाया है, वाह क्या लिरिक्स है, ये रैपर है। पूरी दुनिया में जब भी किसी को मजाइट तो ये गाना सुन लेता है। और बाय चांस मेरे इस गाने का मतलब नहीं समझ आया तो यू डिक्शनरी ऐप है, इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करा, गुड बाय टू द पीपल का मतलब दिखा रहा है लोगों को, अलविदा मैं चला। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू डिक्शनरी का डाउनलोड कर लेना। हमको रपट हो गया यार। तो अब हम देख रहे हैं हमारी फेवरेट ऐप वीगो वीडियो के सुपरस्टार अरिजीत सिंह ऑफ वीगो वीडियो, अरिजीत सिंह वैसे माहौल बना रहा है ये बंदा माहौल बना रहा है। इन भाई साहब ने इतना पान मसाला चबाया कि अब इनकी जबान लड़खड़ा रही है, गाते गाते जीभ बाहर निकल जा रही है। नहीं माहौल बना रहा है बंदा। किस टाइप के गाने ये इंडियन आइडल आतू मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क मेरा नाम। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक वाले बटन दबा देना, यू डिक्शनरी का डाउनलोड लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी से तो वीडियो खत्म, लास्ट वाला काफी मस्त था, तेरी सूरत आतू मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब एक जो फास्ट वाला था सबसे फास्ट वाला उसको फिर दूसरी बात जो एक वो और उसके बाद जो उछल के नाच के आ रहे हैं, मतलब भाई एक इसमें ज़ॉम्बी लग रहा था कि नहीं लग रहा था वो जिस तरह मुंह इतना बड़ा, रात को बच्चों को डराना हो तो इस तरह का मुंह सामने लिया वो आगे से ब्लू ब्लू वो इस तरह पता नहीं क्या कह रहा था, वो मुझे नहीं समझ आ रही यार। और फिर अपने आप को मारने लग जाए वो उछल के। ऐसे ऐसे अद्भुत डांसर आपने कभी देखे हैं? ओ सॉरी सिंगर आपने देखे हैं? ऐसे अद्भुत किस्म के और साथ में मतलब ऐसे अद्भुत किस्म की उनकी आवाज सुनी है कभी या आपके मोहल्ले में कोई है? और एक बंदे ने सही कोलगेट मारा था दांतों पे और मैं कहता हूँ चमक रहे थे सीरियसली और उसका बड़ा चेहरा महसूस लग रहा था। हाँ लेकिन महसूस ये काफी मीम्स में भी मुझे नजर आया और बीच में वो गाने वाली मीम थी गाने और तेरी सूरत आथू यार मतलब ये गाने क्या कहने। वैसे एक भाई देखा जाए ना एक मतलब दूसरी बात अलग और बाकी चीजें अलग लेकिन गाने का एक था मतलब मजे का यार। वैसे एक बात बताऊं मैं तो मैं सही मतलब सही बता जो आपको कोई धोखा दे गया या दे गई है तो उसको बोल सकते हैं तेरी सूरत नहीं, नहीं यार मैं तो एक बात बोलूंगा यार जो भी इन्होंने किया है जिस तरीके से भी किया है चाहे जिस तरीके से भी किया है गाने की माँ बहन एक ही है। पाकिस्तानी लड़के ने जो डिस्पेसीटो की मैं कहता हूँ बजा के जो इस तरह एंकर खड़ी हुई थी तुमने देखा उसको वो पीछे मुड़ रही थी कि ये क्या सुन लिया मैंने किसे गलती कहते बंदे गलती कहते पति तो वैसे गाइस कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन है आप लोगों से बताना किस किसने अपनी मतलब इस जब डिस्पेसिटो सॉन्ग आया था किस किसने इसकी माँ बहन है की है मैंने की है मैं मेरी आदत है मैं किसी भी गाने को उल्टा सीधा जिसको मुझे लिरिक्स नहीं आते मैं अपने लिरिक्स बना यार। वैसे एक बात बताना बाथरूम सिंगर कौन है जो बाथरूम में जाकर स्पेशल जो है ना वो नहाने के टाइम पर जो है ना जो नहाते ठंडा पानी बाथरूम सिंगर नहीं हूँ भाई आप रहे नहीं मैं नहीं हूँ मतलब बाथरूम सिंगर भी कॉल है वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। तो इधर वीडियो खत्म करते हैं अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार बाय।